الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمتي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي अल्लाह महिम ना रुशदना वूर अनफिन आमीन याबल हजरत माहिर रमजान मुबारक हमसे रुखसत हुआ इस दौरान अल्लाह ने मौका दिया और चार जुमे मैंने आप हजरात से गुफ्तू की अव्वल आखिर जो दो जुमे थे उसमें नबीकम सल्ह वसलम के दो अजीम शान खुत में हमने मुताला किए एक था कुरान -हकीम की आजमत मद कुरान करीम बजुबान रसूल सल्हस और दूसरा रमजान मुबारक की आजमत और शाह रमज़ान बहुत अजीम खुतबे हैं नबी के और जो इस माह मुबारक के दरमिया दो जुमे थे उसमें कोशिश की कि सूर्य बकरा की जो छ आयात हैंकाम से मुतक उसका किसी दर्जे में हम मताल कर सकें। अगरचे ये नहीं कहा जा सकता कि हमने उस पूरे रुकू का मतला किया था लेकिन कम से कम तीन आयात वो थी कि जिन पर हमने कुछ ना कुछ गौर फिक्र किया और अपने लिए अमल बनाने का एक अजम और इरादा किया इससे पहले यहां इन खुतबात जुम्मे में पुराने हकीम की जो खवातीम हैं, जो अख्तामी सूरतें हैं सूरह जिलजाल से हमने मुताला शुरू किया था सूरह जिलजाल से सूरह नाज तक कुल सोलह सूरतें हैं जिनमें से हमने सूरह एक नसर मुकम्मल की थी और सूरह लहब पर हमारी गुफ्तुजारी थी आज हमें उसी सूरह मुबारक को मुकम्मल करना है इस सूरत के बारे में नोट कर लीजिए कि बिल्कुल इब्तदाई मक्की दौर में नाजिल हुई जब नबी अक्म सल्लास को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया या यूहल मुद्दसर कुम्फ ए मुद्दसर ए कमली में निपट कर लेटने वाले अब आप खड़े हो जाइए और लोगों को खबरदार कीजिए जैसा कि मैंने अर्ज किया था मालूम होता है यहां से हजूर की रिसालत का आगाज हुआ है सूर्यलग की इब्तदाई आयात वो कि जहाँ से नबी अकम स की नबूत का आगाज हुआ जो पहली वही है जो हजूद पर नाजिल हुई तो नबी अकम साम फरमायाल्ला हुक्म था और यह फजी फरीज इंजार को आपको अदा करना था लिहाजा आपने जो एक मुरवज तरीका था उसको इख्तियार किया कोहे सफ़ा जो जरा कुछ बुलंदी पर था अगर तो नहीं कह सकते कि वो पहाड़ था एक टीला था जरा बुलंद था आप उस पर खड़े हो गए और फिर एक एक कबीले का या बनी अब्द मनाफ या बनी हाशिम और उसके साथ ही वाह शबाह ये अल्फाज वो हैं कि जो गोया के जो भी बस्ती वाले हैं उन्हें खबरदार करने के लिए होते थे कि मेरे पास कोई बहुत अहम खबर है और मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ वाह शबाह हाय वो सुबह जो तलु होने वाली है लोग जमा हो गए उस मौके पर नबी अकम ने इंजहार का फरीजा अंजाम दिया लोगों को खबरदार किया जिस शिल के अंदर जित मुस के अंदर तुम मुबतला हो जबकि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है और मैं दावत दे रहा हूँ तुम्हें इस बात के वह दहू ला शरीक वह जात है सिर्फ उसी की इबादत और बंदगी अख्तियार करो उसी की पूजा करो उसी की परस्तश करो और साथ ही इंजहार आखिरत भी जाहिर है ये दोनों चीज़ें जमा होंगी तो बात मुकम्मल होगी ना कि दुनिया की जिंदगी आर्जी आर्जी है यहां से हर शख्स को रुखसत होना है तो अपनी अगली जिंदगी की फिक्र करो जो अबी है जो लामतनाही है जिसका कोई एंड नहीं है लोगों ने हुजूर का खुतबा सुना तो बड़े जिच हुए कि क्या इस बात के लिए हमें यहाँ तलब किया गया था ये बात सुनाने के लिए उस मौके पर अबू लहब जो हजूर का सगा चचा है अरबी जुबान में ताया और चचा के लिए अलग अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, लिहाजा हम आमतौर पर यह कहते हैं जबकि मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे जो थे वो ये अबू लहब था और उसके बाद अबू तालिब भी हैं फिर हजरत अब्दुल्लह हैं जिनसे गोया के नबी अकम सल्ला वसलम की वजात हुई है तो उस मौके पर इस शख्स ने कहा था हजरत अब्दुल्ल इबन अब्बास रावी हैं इस वाक़े के वह फरमाते हैं कि अबू लहब खड़ा हो गया और उसने कहा तब का लिहाजा ना वही अल्फाज क़ुरान ने इस्तेमाल किया तब्बा के मानी क्या है टूट जाना नाकाम हो जाना ना मुराद हो जाना अज्तलाहन हम गोया के खासिर हो गया नाकाम और ना मुराद हो गया या हाथ टूट गए अबी लहबिन तब्बत अदा अबी लाबिन व तब ये सूरत नाजिर हुई और अल्फाज अबू लहब ने इस्तेमाल किए थे तब काजा जमा था ना तुम्हारे हाथ टूट जाए तुम नाकाम हो जाओ ना मुराद हो जाओ क्या इस काम के लिए हमें जमा किया था तो गोया कि उसके अंदर जो एक दुश्मनी पैदा हो चुकी थी हालांकि बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में से एक सूरत है लेकिन इस अरसे के दौरान भी जो उसका एक आबाई दिन था जो ताब था उसके अंदर बुतप्रस्ती वाले दिन के बारे में तो उसमें इस हद तक चला गया कि अपने सगे भतीजे को उसने जो है ये अल्फाज कहे इसके अलावा एक बात और भी है बहरहाल इसकी जात से मुतक बहुत मालदार शख्स तो था ही लेकिन इंतहाई दर्जे का वकील भी था जब नबी कम सजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले आए हैं और जो पहला गजबा हुआ गद्र उस मौके पर अबू सुफियान जो सलार था कुफार और का जो लश्कर आया था एक हज़ार की था। के ये तो आप के है। सरकर्दगी अबू सुफियाफियान की हकीकी बहन है जो अबू लहब के निकाह में थी गोया कि अबू सुफियान जो है अबू लहब का साला हुआ तो अबू सुफियान ने कहा अबू लहब से कि चलो तुम भी मैं चल रहा हूं और बहुत से बड़े बड़े जिसे आप कहिए कि खुतबा भी था शहबा भी था वलीद भी था कैसे कैसे लोग थे लेकिन इस दर यह बुजदिल था कि उसने एक शख्स आस इबन हाशिम उसका नाम है जो इसका कर्ज खा था चार हजार दरहम जो है उसने कहीं कर्ज लिया था गुलाहा से चूंकि बड़ा दौलतमंद था तो जिस तरह होता है कि आमतौर पर जो बस्ती जिसके पास रुपया पैसा हो तो लोग आ जाते हैं अपनी जरूरत के लिए फिर कर्ज भी ले, ले लेते हैं तो कर्ज लिया हुआ था तो अबू लाब ने इसको बुलाया और कहा कि देखो मैं तो नहीं जा रहा वही बुजदली की वजह से लेकिन यह कि मैं तुम्हारा कर्ज मुआफ़ कर दूंगा अगर तुम मेरी जगह चले जाओ तो आसिब ने हशा इस पर रवाना उस पर जो है राजी हो गया लेकिन आपको मालूम है कि गजब में अल्लाह तुम अजीम शाहान फतेह मुसलमानों को अता फरमाई थी अब जब शिकस्त हुई है कुफार और मुश्किन के लश्कर कोई तो जैसे ही इस तक इतला पहुंची है तो एकदम निढाल हो गया गोया के चार हजार रुपए जो थे उसके चार हजार दीनार जो थे जो उसने कर्ज दिए थे आसिफ ने शाम को वो भी हाथ से गए और सबसे बढ़कर ये कि शिकस्त का दाग लग गया और उसके बाद फिर ये गोया के जो फतह बदर हुई है उसके तकरीबन हफ्ता दस दिन के अंदर अंदर जो इसका इंतकाल हुआ और ये जो है वास्ल जहन्नुम हो गया और उसकी भी बड़ी तफसील जो है अहािस के अंदर मौजूद है मुस्त रिवायात के अंदर मौजूद है कि इसके जिसम के ऊपर कुछ आबले निकले हैं और आबले इस दर्जे बढ़ गए उसमें से इतना तफन पैदा हुआ कि इसकी अपनी बीवी और उसके जो अपने बच्चे थे जो औला थी उन्होंने इसको अलग कोठरी में बंद कर दिया और वही जो है वो सिसक सिसक कर गोया कि ये अल्लाह का दुश्मन अल्लाह के रसूल का दुश्मन उसका इंतहाब्रतनाक अंजाम हुआ है जो लोगों की निगाहों के सामने था और चंद हफी गुलामों की खिदमत हासिल करके जिस तरह किसी मुर्दा लाश को कोई कुत्ते की लाश है कोई बिल्ली का मर चुकी है तो उसको जो है जमीन में गड़ा खोद कर उसमें दबा दिया जाता है तो ये मामला किया गया इस शख्स के साथ ये इसका अंजाम हुआ है तो तब्बत यदा अबी लहब मा मानू मा कसब तो अबू लहब का यह किरदार जो है पिछली मरतबा पढ़ चुके थे सिर्फ उसको गोया कि आज की गुफगु को आगे बढ़ाने के लिए मैंने उसका जिक्र किया अब देखिए सूर्य मुबारक के आखिर में जिक्र है अबू लहब की बीवी का उसकी बीवी या उसकी जोजा के जो ईंधन ढोया करती थी हमाल किसी के हमाल की मोनस है ढोने वाली लेकिन अरबी जुबान में जरबुल मिसल के तौर पर यह इस्तेमाल होती थी असिला हमालब कहते थे उस शख्स को जो लगाई बुझाई करने वाला है गोया के वो ईंधन लिए फिर रहा है किसी शख्स की बात इधर से उधर कर दी उसकी इधर से इधर कर दी उसके खिलाफ कोई बात कर दी इसकी चुगली खा ली तो लोगों के अंदर गोया के नफरत की दीवार और आग लगाने के लिए गोया के ईंधन है कि जो उसके पास मौजूद है तो हमालहतब उस शख्स को कहा जाता था कि जो चुगलियां लगाने वाला हो लगाई बुझाई करने वाला हो लोगों के अंदर गलत फहमी फैलाने वाला और झगड़ा फसाद करने वाला तो हमालतुलतब उसके बारे में मुफस््री ने यह बात लिखी है चूंकि उसके शोहर अबू लहब भी बहुत अमीर कबीर आदमी था लिहाजा ये तो तस्वर नहीं किया जा सकता कि जाकर जो है मजदूरी करती होगी और जंगल में से यह झाड़ झकाड़ जो है वहाँ से ला कर जो है फरोख करती होगी या अपने घर के लिए इसके पास तो बड़ा रुपया पैसा था लिहाजा अरबी ज़ुबान में गोया कि वह जो एक ज़रबुलमिसल बन गई है ऐसे किरदार के लिए जो लगाई बुझाई करने वाला हो या ये कि लोगों के अंदर जो है कोई फसाद पैदा करने वाला नफरत पैदा करने वाला तो वो इस तरह कुरान हकीम ने इस्तेमाल की है बाकी ये कि उसके वो मानी भी लिए जा सकते हैं और उसके बारे में मुफसरीन ने यह भी कहा कि ये असल में जाया करती थी मुजाफ़त जो थे मक्का के और वहाँ से जाकर कांटेदार और ख़ारदार कस्म की झाड़ियाँ लाया करती थी और नबी कम सलीसम के दरवाजे के बाहर जो उसे फैला देती थी ताकि हजूर जब बाहर निकलें तो आपके उपाय मुबारक जो है वो ज़ख्मी हो जाएं ये किरदार भी इसका मौजूद था तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अपने किरदार के अतबार से और वो कमीनगी के जो उस शख्स में बदरजा आतम मौजूद थी अबू लहब में उसके अतबार से ये दोनों ही मियाँ बीवी वो थे कि जिसके किरदार को हकीम ने क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया अब देखिए मेरे में फौरी तौर पर सूरत तहरीम के वो आखिरी आयात आ रही हैं कि जहाँ तीन ख़वातीन का जिक्र किया गया ख़वातीन का किरदार है ना बहुत और किसी माशरे के अंदर खातून का किरदार जो है बहुत गिर गुल रखता है जो औलाद है उसकी तरबियत करना घर के अंदर एक पुरसकून माहौल फराहम करना ताकि उसका शोहर जो है जो भी काम कर रहा है अपनी माश जिम्मेदारियां अदा कर रहा है कोई दीन का काम कर रहा है तो उसे एक पुरसकून माहौल मिल सके तो सूरत सूरतम के आखिर में तीन किरदारों का जिक्र किया गया उम्र तनूहूत वो खुतिन या वो बीवियां जो हजरत नूह और हजरत की बीवियां थी लेकिन वह अपने शोहर के साथ उस मिशन में शामिल नहीं थी कुरने तो कह दिया वो तो उन्होंने कुफर का इतकब किया था ऐसा नहीं है कि जो कुरान हकीम में आए ना फानता हुआ उन दोनों ने खयानत की थी महाज अल्लाह सुहाज अल्लाह किसी नबी के बगीवी के बारे में हम खयानत करना बेवफाई करना या किसी किस्म की जो है गलत अखलाकी काम करना उसका कोई सफर नहीं कर सकते लेकिन बहरहाल वो हजरत नू और हजरत पर सही मानों में ईमान नहीं लाई थी लिहाजा उनका अंजाम क्या हुआ

और उसी की बीवी है हज़रत आसिया जिसका कुरान हकीम जो तस्करा करता हैनफिल जन्नत नीम फ़िर बहुत खूबसूरत अल्फाज सूरत सूर के आखिर में कि उसने दुआ की परवरदिगार मुझे इस फ़िर का ये जो इसकी एक जोजियत में तो मैं हूं ये मेरी मजबूरी है लेकिन जिस तरह ये तेरा दुश्मन है और जिस तरह का बेदीन है खुदाई का दावेदार है मुझे इससे निजात फरमा दे और मेरे लिए तो अपने पास जन्नत में एक घर बना दीजिए ये अपने रब से वो गोया की मुनाजात कर रही हैं हजरत आसिया जो फिर की बीवी है और तीसरा किरदार जो सूरत के आखिर में आए वो हजरत मरियम का है वह मरियम अहसनत फरजहा गोया की तीन खातन के किरदार हैं एक किरदार उन खातन का वो दो औरतें के जो हजरत लू और हजरत लूत इस्लाम की बीवियां थी ये शौहर जो इंतहा जरीलु कद नबी और रसूल लेकिन उनके अकद में जो बीवियां हैं ये नहीं कि यही सिर्फ दो बीवियां थी और बीवियां भी होंगी लेकिन उनमें से दो का तस्करा कुरान करता है जो काफिरा थी और जो कि उस दीन के ऊपर नहीं थी जो हजरत सलाम पेश कर रहे थे और जाहिर के फिरोन का जो है हजरत नू हजरत नूसम जो है वह अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल है दूसरा किरदार हजरत मरी हजरत आसिया का के बदतरीन शौहर और बेहतरीन बीवी हजरत आसिया और फिर और तीसरा किरदार है हैजरत मरियम अगरचि हजरत मरीम के शोहर नहीं है लेकिन यह कि वो उस जिस खान वादे से उनका ताल्लुक था खान वादा नबू से ताल्लुक था तो गोया के माहौल वो है जो इंतहाई बेहतरीन और बेहतरीन खातून तो तीन किरदार जो वहाँ सूरत तहरीम के आखिर में आए उसमें चौथा किरदार जो एक बाकी रह गया था कि बदतरीन शोहर और बदतरीन बीवी वो किरदार जो है लहब के अंदर पूरा हो गया तब्बत यदा अबी तब अबू लहब जिसका असल नाम क्या था अब्दुल उज्जा उज्जा उनकी देवी थी जो जिसका गोया कि वो बंदगी करने वाला था अब्दुल उज्जा के मानी तो यही है ना लेकिन यह कि अपनी कुनीत की वजह से जबकि बहुत ही वो सुरखो सफेद था उसकी आंखें जो है बहुत सुर्ख थी अंगारे की मानी उसकी आंखें थी बड़ा हसिनो जमील था तो उसे उसके नाम से नहीं पुकारा जाता था बल्कि अबू लहब कहा जाता था गोया के शोले की तरह का एक शख्स कुरान ने उसकी वो नाम इस्तेमाल किया सामने आ गया अब रिवायात मौजूद है कि जब यह सूरह लहब नाजिल हुई है नबीम सर और उसको खबर हो गई उसकी बीवी को अबू लहब की बीवी को कि कि गोया उसमें उसका तस्करा भी मौजूद है इमरत अबू लहब कौन है वह खुद है और उसका तस्कर कुरान ने क्या किया है कि हबल में मसद कि उसके गले के अंदर एक रस्सी होगी कि जो मसद की बनी हुई होगी मसद कहते हैं खजूर की छाल को और उसके जरिए जो रस्सी बनाई जाती है वो बड़ी खुरदुरी किस्म की रस्सी होती है अगर उसको कस कसा जाए तो खाल के अंदर पेवस्त हो जाती है ये रिवायात भी हैं कि इस दुनिया में भी उसका यही अंजाम हुआ एक दिन जबकि वो कहीं जंगल से ला रही थी लकड़ियाँ लाते हुए जो है उसका वही रस्सी जो उसने जिससे लकड़ी को बांधा हुआ था उसने सर के ऊपर उसको जो है लपेटा था तो वो उसके सर से स्लिप होकर गर्दन में आई और उसी की वजह से उसका इंतकाल हो गया वो भी जहन्नुम वासिल हो गई लेकिन ये कि बहरहाल ये ताबीर भी मौजूद है कि जहन्नुम में उसके साथ जो अब सलूक होने वाला है कि जहन्नुम का अजाब अपनी जगह लेकिन यह कि बहुत ही खुरदुरी और बहुत ही नुकीली किस्म की रस्सी होगी कि जो गड़ जाएगी उसकी खाल के अंदर और जीत असल में उस गर्दन को कहते हैं जो सुराहीदार गर्दन होती है इस दुनिया में खूबसूरती की अलामत है ना और चूंकि मालदार खातून थी तो बड़े जेवरात से लदी फदी रहती थी और सुराहीदार गर्दन हो और उसमें जेवरात भी जो है बहुत ही सजावट के साथ लगे हुए हों हु। तो गोया ये इम्तियाजी एक हैसियत बन जाती थी उसकी तो यही इस दुनिया में और उसे जब पूछा जाता था कि तुम जो मोहब्बत की जो नबी अक़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतनी आगे जा रही हो तो तुम्हारा इरादा क्या है तो उसने ये कहा था ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ये हार जो बहुत ही कीमती मेरे गले में है इसको मैं फरोख्त करूँगा और उसकी जो भी मुझे रकम हासिल होगी वह मैं लगाऊंगी मोहम्मद की मुखालफत में सल्ला वम तो इस दर्जे जो है इसके अंदर वो जिसे आप कहिए कि वह इस दर्जे निचला सतह जो है उसकी मौजूद थी कि उसने ये इरादा भी किया हुआ था कि ये काम कर गुजरूँगी जब यह सूरत मुबारक हुई तो रवायात में है तो इंतहा गजबनाक हुई कि उसमें मेरा आ गया का तो है ही और मोहम्मद कह रहे हैं कि ये ताला ने मुझ पर दासिल की है। लिहाजा अब इसने अपने हाथ में पत्थर उठाए और हुजूर की तलाश में निकले कि जहाँ हजूर नजर आएंगे तो पत्थर बरसाऊंगी मैं उन पर ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकती थी खातून थी तो नबी या कम सल अल्लाह उस मौके पर बैतुल्ल के सहन में मौजूद थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तजूर के साथ थे मुश्तर रवायात के अंदर ये जो है ये वाक़ मौजूद है तो हजरत बकर ने जब देखा कि ये भी सहने काबा में दाखिल हुई और इसके हाथ में पत्थर है और ढूंढती फिर रही है तो हजरत अबूबकर ने हज़ू से कहा कि हजूर ये मालूम होता है कि इसके इल्म में आ गया है कि सूर्य मुबारक नाजिल हो चुकी है और अब मुझे लगता है कि ये आपकी तलाश में है और हाथ में जो पत्थर हैं ये आपके ऊपर बरसाएगी तो नबी अकम सल्ला वसलम ने कमाल तमानियत के साथ सुकून के साथ उसे कहा घबराओ नहीं यह मुझे देख ही नहीं पाएगी अब यह यकीन था हजू का सल्ला इसी का एक हुआ था कि जबकि नबी अकम सल्ला हिजरत के लिए निकले हैं मक्का से और बजाय शुमाल में मदीना की तरफ जाने के आपने जुनूब का रुख अख्तियार किया और गार और आज भी मौजूद है बहुत से लोग वहाँ ज्यारत के लिए जाते हैं तो उस मौके पर भी जो खोजी तलाश करते हुए तकरीबन ग़ार के दहाने तक पहुंच चुके थे और उन खोजियों के कदमों की चाप भी महसूस हो रही थी तो अब बकरी सदीक उस मौके पर भी घबरा गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने गलती से भी कहीं नीचे झांक लिया तो हम नजर आ जाएंगे वो तो अल्लाह तला की तरफ से खास अहतमाम हुआ ना कि कबूतरी मौजूद थी उसके अंडे भी मौजूद थे कि मकड़ी ने भी जाला बना दिया था जो एक तस्वीरें लफ्जी है जो खींची जाती है जो भी कैफियत हुई होगी लेकिन उस मौके पर भी हुजूर ने कहा था कि नहीं घबराओ नहीं अल्लाह हमारे साथ है तो अब यह जब ये उम जमील इसकी जो कुनीयत थी अब यहाँ जहाँ अबू लहब का नाम था इसका नाम जो है अरवा है अलिफ रा, और या, रा, या के ऊपर खड़ी जबर ये उसका असल नाम था उम्म जमील का लेकिन बहुत खूबसूरत थी और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि गर्दन भी बड़ी सुराहिदार थी और उसको जो है अरवक जो है जेवराज से जो है पूरी तरह वो जैसे आप कही लदी फदी होती थी इस बुनियाद पर इसका लक़ी जो है वो पड़ गया था उम जमील बहुत ही खूबसूरती की मालिक है और रुपये पैसे भी उसके पास बहुत था तो अब यह अरवा है या उम जमील है कि जिसके हाथ में पत्थर हैं और हजूर की तलाश में है अब ये आई है और अबू बकर से पूछ रही है हजूर साथ खड़े हुए कि हैं ये मुझे बताओ मोहम्मद कहा सल्ला और इसलिए कि मालूम था कि हज़रत उब सिद्दीक गज़ी अल्लाह तज़ूर के साथ जो है बिल्कुल साए कि तरह रहते हैं तो उन्होंने उस मौके पर जो है बात को टाल दिया कभी तो यही थे या इस तरह की कोई बात की है और बिल्कुल साथ खड़े हुए नबी अकम ने ऐसा पर्दा जो है उस औरत के आंखों के ऊपर डाला कि हुजूर नज़र नहीं आए और उसके बाद उसी तरह अपने गुस्से के अंदर फनकारती हुई वहाँ से निकल गई तो ये ख़ास तौर तो पर वाक़ जो है ये मौजूद है सीरत की किताबों के अंदर कि जब यह सूरह मुबारक नाजिल हुई है तो उस मौके पर फिर इसने इरादा किया था और अपने हाथों में पत्थर लेकर निकली थी नबी अकम सलीसम पर पत्थर बरसाने के लिए तो उसका तरजा फिर पढ़ लीजिए जैसा कि मैंने अर्ज किया पिछली मरतबा भी कुछ बातें मैंने बयान की थी अब मजीद भी इसमें आज ऐड कर दिया मैंने तब हुआ तब अब यहाँ भी नोट कीजिए इब्तदाई दौर था वसल्लम की दावत का उसमें कैसी कैसी तंगी और किस किस्म के सख्त हालात से हजूर को साहब का पेश आया ये तेरह बरस जो मक्की जिंदगी के हैं जिसमें दावत है तबलीग है एक एक घर का दरवाजा हजूर ने जा करके है दावत तो लोगों के सामने पेश की है किसी तरह जो है अपने आबाई दिन को बात कहो और इस दिन के अंदर दाखिल हो जाओ उसमें तारीफ से वापसी का सफर है जबकि आपके ऊपर पत्थरों की जो है बोछाड़ कर दी गई आपका जिसमें मुबारक जो है लघुलहान हुआ है इसी तरह आपको काहिन भी कहा गया शाहिर भी कहा गया मजनून भी कहा गया आपके साथ दस्तराजी तक की गई है बैतलह में जबकि आप एक मौके पर मौजूद थे नमाज अदा कर रहे थे तो अबू जहल ने एक शेख को इशारा किया और उसने जाकर जो है चादर का फंदा ऐसी जोर से आपके गर्दे के डाल के उसको खींचा कि आपकी आंखें उबल पड़ी सजदे की हालत में तो ऊंच की निजाजत बड़ी होजड़ी जो है वो लाकर रख दी गई ऊपर ये तमाम कैफियात जो है उनसे नबी अकम सुजरे हैं वो दावत तबलीग के मरहले में इसलिए कि मक्की दौर का अगर आप मुतारा करेंगे तो जो भी हजूर पर ईमान लेकर आए उनके साथ भी प्रोसिक्यूशन तशद तहजीब उनके चक्कीयों से उनको गुजारा गया और जहां तक मामला हजूर का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शोब अभी हाशिम जिसे आप शोबे अभी तालिब कहते हैं उसको भी अगर जेल में रखेंगे तो किस कदर सख्त हालात थे तीन साल जिस तरह बिल्कुल बाइकॉट कर दिया गया था बनु हाशिम का और नोट कीजिए उसी शोब अबी तालिब के अंदर अबू तालिब भी मौजूद हैं जो हजूर पर ही मान नहीं लाए लेकिन चूँकि वो उस वह सरकर्दा थे बनु हाशिम के लिहाजा वो भी उसी लपेट में आ गए हजरत खदीजा रजी अल्लाह तन्हा वो भी तीन साल जो हैं और इसी जो है जिसे आप कहिए कैद के अंदर और इसी महबूसियत के अंदर जो हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तन्हा का भी इंतकाल हुआ जो हजू की जोजा मुतरमा थी और इसी तरह अब तारे का भी इंतकाल हो गया ये तकालीफ़ और ये मुश्किल नबी अक्म सलील वसम ने बर्दाश्त की हैं और ये वो फेज़ है हजूर का सल्लाम वही रेवोल्यूशनी प्रोसेस इनकलाबी जद्दो जो हो जबकि दावत है तबलीग है जो लोग करीब आए हैं उनका तस्किया फरमाया है उनको एक नज़म के अंदर डिसप्लिन के अंदर पुरोया है अब यह पूरी कैफियात है और बिल आखिर ये जो है हक का कोड़ा बादतिल पर बरसा है और हिजरत के बाद जो पहला गजबा हुआ ग जिसका मैंने अबतदा में जिक्र किया था यही कोड़ा था कि जिसने गोया के एक अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब की शक्ल इख्तियार की और उनके जो टॉप की लीडरशिप थी वो तमाम के तमाम जो है वहाँ जहनु वासी लोग हैं जिसमें अबू लहब भी शामिल था उतबा भी, भी शामिल था वलीद भी शामिल था ये तमाम जो रूसा थे वह तमाम के तमाम जो है जहनु वासी लोग हैं तब्बत अदा अबी लहबी वो तब उसी दौर का यह किरदार है अबू लहब का उसकी हार टूट जाए ये दुआिया भी हो सकता है और फिर यह एक माजी की बात भी हो सकती है और कुरान जहां भी जन्नत और जहन्नम का जिक्र करता है वो इस दर्जे यकीनी है कि गोया के आने वाली नहीं है बल्कि आ चुकी है हाथ टूट जाए भी तर्जुमा किया गया हाथ टूट गए अबू लहाब के नाकाम और ना मुराद हुआ माँ ना अनहू मान हुआ मा, मा, मा कसब ना उसका माल उसके किसी काम आ सका और ना ही उसका कसब कसब से मुराद उसकी औलाद भी हो सकती है और जो रुपया पैसा उसने जमा कर रखा था और जो भी कुछ आया करते थे चढ़ावे उसमें से भी इसके ऊपर ये दाग लगा हुआ था कि सोने का एक हिरन आया था बाकायदा सोने से खालि सोने से बना हुआ जो इस शख्स ने चुरा लिया था और उसके बाद फिर जो है कहीं बेच बात कर उसके हिस्से बकरे कर, कर ज़ाहिर है किसी शेय को अगर आप तोड़ फोड़ देंगे तो अपनी असल शक्ल में तो मौजूद नहीं रहेगा लेकिन उस माशरे के अंदर ये बात मशहूर थी कि गज़ाल ज़रूरी जो आया था फ़लाँ कबीले की तरफ से उसको चुराने वाला और उसको जो है जिसे वहाँ से उठाने वाला ये शख्स मौजूद था बिन। उसे उस आग में झोंका जाएगा जो दहक रही होगी जो बड़े शोले मार रही होगी और उसकी जोरू उसकी बीवी हम मतब जो ईंधन लिए फिरती है तर्जुमा यही किया गया लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया था ये जरबुल मिसल के तौर पर भी, भी इस्तेमाल होता है लगाई बुझाई करने वाली लोगों के अंदर नफरत पैदा करने वाली फी जी दिहा हबल मसद और उसकी उस गर्दन में जो इस दुनिया में बड़ी खूबसूरत गर्दन शुमार होती थी इस दुनिया में भी अंजाम क्या हुआ कि वो खजूर की छाल की बनी हुई रस्सी जो है उसकी मौत का सबब बनी और बिलाखिर आखरत में भी यही उसी जहन्नुम की आग को ईंधन फराहम करेगी गोया कि अपनी उस आग को अपने लिए मज़ीद भड़काएगी हम तफी जी दिहा हमन मसद यहाँ यह सुरह मुबारक जो कुल पाँच आयात पर थी मुकम्मल हो गई इनशा अगली मरतबा सूरा अखलास जिसे सूरा तोहीद भी कहते हैं उस पर इनशा गुफ्तु होगी अल्लाह ताली हमें कुरान हकीम को समझने की और उस पर अमल करने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए बारकल वालकम फ़िरीम व नफ़ानी व इयाकुम ईयाकमिल आयात वक्किल हकीम हज़रा प्रेस रिलीज़ आज कल जो एक फ़िज़ा गर्म है और जिस तरह डेढ़ साल के लिए कोई हुकूमत मिल गई है एक उस पार्टी के जिसके बहुत से लोग जो थे जिनके ऊपर जराइम भी आए थे दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो लगे हुए हैं इंतबा की एक रट लगा रहे हैं हालांकि इससे पहले ये जो मतहदा वाले थे ये इंतबा इंतार की लट लगा रहे थे अब वो उसको डिले कर रहे हैं ताकि जितना मौका उन्हें मिल सके और मजीद लूटने घुसूटने का तो उनको जो है पूरी तरह अवेल कर सके उसी पसमंज़न के अंदर ये प्रेस रिलीज़ है इंतखा का ऐलान मुल्क में कशीदगी और तसादम की फ़िज़ा ख़त्म कर सकता है ये बात तंजीम इस्लामी के अमीर शजाउद्दीन शेख साहब ने एक बयान में कही उन्होंने कहा कि माजी की मुतहदा अपोजीशन बड़े इसरार से फ़ौरी इंतबा का मुतालबा कर रही थी जबकि तहरीक इंसाफ के हुकूमत इंतबात से गुरेज कर रही थी आज से अगर आप दो महीने पहले चले जाएँ तो यही कैफियत थी ना लेकिन अब तहरीक इंसाफ़ फ़ौरी इंतबात का मुतालबा कर रही है जबकि पी डी एम उसकी हुकूमत जो इंतबा के इनका से गुरेज कर रही है बेहतर ये था कि फरीक़ैन इस मसले को बाह में मशावरत से हल कर लेते लेकिन बदकस्मती से फरीक़ैन अपने अपने मौक़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है और नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि तहरीक इंसाफ ने इंतबात का ऐलान न होने की सूरत में मई के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खुले तसादम का बास बन सकता है जिससे मुल्क में अफरा तफरी फैलने और कीमती और हमारी इकॉनमी के जो हालात हैं आपको मालूम है जाहिर है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मज़ीदिगर गुं हो जाएगा और कीमती जानों के ज़्यादा का ख़तरा भी मौजूद है फिर ये कि मुल्क की माशी सूरत हाल जो कि पहले ही अच्छी नहीं मुकम्मल तबाही की तरफ चली जा रही है सवाल ये है कि जब तमाम सियासी जमातें जल्द या बदैर इंतबात ज़रूरी समझती हैं तो क्यों ना इंतबा का फौरी ऐलान करके हर कस्म के तस्दम से बचा जा सके अल्लाह ताली सही फैसला करने की तोफ़ी कता फ़रमाए और जो हमारे लिए इस मुल्क के बाशिंदों के लिए और उस मुल्क की बका के लिए बेहतर हो